तो सर बताइए, आपको हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी? मिस मुस्कान, प्रेजेंटेशन तो आपकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको हमारे स्पेनिश वाले क्लाइंट को ये प्रेजेंटेशन स्पेनिश में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तब जाके ये डील पॉसिबल हो सकेगी। बट सॉरी टू से सर, मुझे स्पेनिश नहीं आती है। क्या आपको स्पेनिश नहीं आती है? तो आपको इस पोस्ट पे हायर किसने किया? सर जब मेरा काम ही नहीं है स्पेनिश लैंग्वेज का, तो मैं स्पेनिश लैंग्वेज सीख कर क्या करूँगी? एक तो आपको स्पेनिश नहीं आती है, आपको पता नहीं है कि आपको अपना काम कैसे करना है, ऊपर से आप मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहे हो। लगता मुझे आपके सीनियर से बात करनी पड़ेगी। सर आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो, मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से आता है। और सर हमारी तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी कि आपके किसी स्पेनिश क्लाइंट को हमें ये प्रेजेंटेशन स्पेनिश में देनी होगी। अच्छा, आपको अपना काम आता है? क्या वो गार्ड को अपना काम नहीं आता था? मिस मुस्कान, जब हम अंदर आ रहे थे मैंने सुना कि आप किस तरह से उस गार्ड को डांट रहे थे। राम राम साहब। राम राम मैडम। राम राम। सर आप चलिए, मैं भी आती हूँ। आर यू श्योर? यस सर। कौन हो तुम? मैडम मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे आज ही रखा है नौकरी पर। किसने रखा है तुम्हें जॉब पर? वो अमन सर है ना, उन्होंने रखा है मुझे नौकरी पर। ये अमन भी ना किसी को भी नौकरी पर रख लेता है। अरे तुम्हें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोला नहीं आता है क्या? ये राम राम क्या लगा रखा है? इतने बड़े इन्वेस्टर के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। देखिए मैडम, हमको अंग्रेजी के शब्द तो नहीं मालूम, वो क्या है ना हमारे गांव में सब एक दूसरे को राम राम करते हैं, इसीलिए हमने तुमको देखा तो राम राम किया। जब तुम पढ़े लिखे हो नहीं तो तुम्हें यहाँ जॉब पर क्यों रखा गया है? मैडम मैं चौकीदार हूँ ना, और मुझे चौकीदार का काम बहुत अच्छे से आता है, और वैसे भी मैडम चौकीदार के काम में इंग्लिश की क्या। अच्छा अब तुम मुझसे जबान भी लड़ाओगे? नहीं नहीं मैडम, मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रहा, मैं तो बस अपनी बात रख रहा था। कोई बात नहीं, एक बार मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग खत्म होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगी। नहीं नहीं मैडम सुनिए सुनिए तो मैडम, मैडम ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने, सिर्फ राम राम ही तो किया था, हम मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। किस तरह से आप उस गार्ड को डांट रही थी, वो भी किस लिए? उसको इंग्लिश बोलने नहीं आती, उसने गुड मॉर्निंग की जगह राम राम बोल दिया। उसका काम चौकीदारी करने का है, ना कि इंग्लिश बोलने का, और मेरे हिसाब से वो अपना काम बाखूबी कर रहा है। लेकिन आप जैसे लोग ही होते हैं जो दूसरे लोगों को उनकी लैंग्वेज और उनके लुक से जज करते हैं। राम राम ही तो बोल रहा था, कौन सी बदतमीजी कर रहा था वो किसी के साथ। मिस मुस्कान, अगर आपका ऐसे ही रवैया रहा ना तो मुझे नहीं लगता मेरी कंपनी या फिर कोई और आपके साथ कोई डील साइन करेगी। और हाँ, मुझे लगता है आपकी कंपनी से मुझे सारे इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करनी पड़ेगी। सर मुझे समझ आ गया जो आप मुझे समझाना चाहते हैं, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पर सर आप मेरी इस छोटी सी गलती के लिए प्लीज़ ये डील कैंसिल मत कीजिए, शायद इस डील की वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। देखिए मिस मुस्कान, कोई स्पेनिश का क्लाइंट नहीं है ना, आपको ये डील किसी को स्पेनिश में समझानी है, ये तो मैंने इसलिए कहा था कि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। खैर अब आप समझ चुकी हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी चली जाए, तो ये डील डन करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। अगर प्रेजेंटेशन पूरी हो चुकी है तो हम चलें? हाँ हाँ श्योर सर।